नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर विस्तार में। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग 52 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 53वां टेस्ट है। तो चलिए हम लोग 53वां टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए कौन कौन से प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति में संघीय विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती है, सही है। न्यायपालिका वित्तीय रूप से ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका पर निर्भर है, ये भी आपका सही है। न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भी है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपके तीनों कथन सही है, क्या है? तीनों कथन सही है। याद रखिए आप लोग कि न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कार्यालय की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य कर सकते हैं। जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं उनके लिए विधायिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है, मतलब उससे दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपके तीनों कथन सही थे, डी ऑप्शन सही था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यह न्यायालय में न्याय पाने के लिए किसी पक्षकार को उपलब्ध अंतिम विकल्प है, सही है। वकीलों की अनुपस्थिति में न्यायाधीशों के कक्ष में इसकी सुनवाई होती है, ये भी आपका सही है। इसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है इसमें एक और दो कथन सही है, लेकिन इसमें तीसरा कथन गलत है। रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले 2002 में उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित की थी, जिसकी सुनवाई समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद होती है, ठीक। उपचारात्मक याचिका का दायरा ये समीक्षा याचिका से संकीर्ण है। समीक्षा याचिकाएं अधिकतर संविधान के अनुच्छेद 137 के आधार पर दायर की जाती हैं, जबकि उपचारात्मक याचिका का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 तथा उच्चतम न्यायालय के नियम 1966 के अधीन है। और जो आपकी यह जो उपचारात्मक याचिका है उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय आदेश के विरुद्ध राहत पाने और उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका, जिसे पुनर्विचार याचिका भी कहा जाता है, को खारिज करने के बाद दायर की जाती है आपकी उपचारात्मक याचिका। इसे केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपका एक और दो कथन सही था, तीसरा गलत था, क्योंकि इसे उच्चतम न्यायालय में केवल दायर किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा। भारत के उच्चतम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने का अनन्य एवं मूल क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय में निहित है, सही है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर तीन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि एक कथन सही है। दूसरा क्यों गलत है?
इसलिए गलत है कि सलाह कार क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति विधि या सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सलाह लेने के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय भेज सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिए, उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति न्यायालय की ऐसी सलाह या राय स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। और जो रिट का मामला है, तो रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट अधिकारिता के मामले में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सी ऑप्शन सही था, यानी कि 1। क्वेश्चन है हमारा 4, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकपाल का पद सांविधिक है, पद है, सही है। प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, गलत है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी आपका गलत है। अब आखिर इसमें सही क्या होगा, सुनिए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये आपका सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। एक ओम्बड्समैन की भूमिका में निर्धारित सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है आपका लोकपाल। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री हो, प्रचाय मंत्री, संसद के सदस्य, वर्ग ABCD के अधिकारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, सभी इसमें शामिल हैं। जो आपका लोकपाल संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया, जो भी पहले हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन है 5, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है, सही है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से व्युत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। यह प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू नहीं होती है, यह आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए विधायी कार्रवाइयों के साथ ही प्रशासनिक कार्यों की भी संविधानिकता के परीक्षण हेतु न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए ऑप्शन सही था, 1 और 2। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसे 1951 में पहले संविधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, सही है। इसे संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा से भूमि सुधारों के संरक्षण के लिए जोड़ा गया था, सही है। इस अनुसूची में शामिल सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका 1 और 2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। 24 अप्रैल 1973 को दिए गए केशवानंद भारती बनाम के निर्णय में, जिसमें मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, के बाद ऐसी विधियों को चुनौती दी जा सकती है यदि उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून की वैधता को बरकरार रखा है। तो 11 जनवरी 2007 को दिए गए नवीनतम निर्णय में घोषित सिद्धांतों पर इस तरह के कानून को फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका एक और दो कथन सही था। क्वेश्चन सात है आपका, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। उच्च न्यायालय की शक्तियों में राज्य विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर सात में आपके एक कथन सही है, बाकी दो और तीन गलत हैं। अनुच्छेद 131 का में केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख था और इस तरह के मामलों में उच्च न्यायालय को इस क्षेत्र अधिकार से वंचित रखा गया है। उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, केवल पेंशन, और जो आप वेतन होता है ये आपका राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो पेंशन किससे होगा? भारत की संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर सात में केवल दूसरा कथन सही था, सॉरी बी ऑप्शन सही था, केवल दूसरा, केवल एक। क्वेश्चन है हमारा आठ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिला न्यायाधीशों के पास न्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियाँ भी होती हैं। सही है। सत्र न्यायाधीशों के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है, यह आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर आठ में केवल एक ऑप्शन सही है, एक। सत्र न्यायाधीशों के पास किसी अपराध को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड की सजा देने का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिया गया मृत्युदंड का निर्णय राज्य के उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अधीन है, चाहे अपील दायर की गई हो या नहीं। क्वेश्चन है हमारा नौ, चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दक्षिण चीन सागर में अवस्थित एक द्वीप समूह है। गलत है। ब्रिटेन और चीन चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता में के विवाद में शामिल हैं। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर नौ में आपके दोनों कथन गलत हैं। चागोस द्वीप है जो आपका, यह मध्य हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य हिंद महासागर में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में लगभग 1000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर दूर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप समूह का पर संप्रभुता के दावे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूनाइटेड किंगडम से चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस लौटाने के लिए कहा है। नौवे का आपका दोनों कथन गलत थे। बात करते हैं हम लोग दसवें क्वेश्चन की। समाचारों में देखा गया काला पानी क्षेत्रीय विवाद किन देशों से संबंधित है? तो ये आपका भारत और नेपाल। डी ऑप्शन सही है। भारत के नवीनतम राजनीतिक मानचित्र में भारत ने इस क्षेत्र पर अपने दावे को दोहराया है, जिसे नेपाल दार्चुला जिले में अपना क्षेत्र मानता है। भारत के अनुसार ऐतिहासिक कालापानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। कालापानी एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। कालापानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करता है। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत पर द्वारा हस्ताक्षरित सुगोली की संधि ने भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में काली नदी को मान्यता दी थी। नदी के स्रोत का पता लगाने में हुई विसंगति के कारण दोनों देशों की सीमा के बीच सीमा विवाद बना हुआ है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 11। भारत के उस राज्य की पहचान करें
जहाँ फैनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये आपका त्रिपुरा। याद रखिए त्रिपुरा को आपका बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरे हुए है, ठीक है। फैनी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यह एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जिसके जल उपयोग को लेकर विवाद चल रहा है। फैनी नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है तथा यह सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे 12। कटलेस एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कट लेस, यह संयुक्त राज्य अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित एक समुद्री अभ्यास है, सही है। यह पूर्वी अफ्रीका में समुद्री कानूनों की विवर्तन क्षमता का आकलन और सुधार करने के लिए आयोजित किया गया था, ये भी आपका सही है। भारतीय नौसेना इसे नौसेना ने इस अभ्यास में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की निम्न कक्षा में घूम रहे उपग्रह को नष्ट करने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था, सही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट हथियार संबंधी क्षमता है, ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है 13 में, दूसरा आपका गलत है। भारत ने उड़ीसा के तट पर अवस्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इसने पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे एक उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, ठीक है। और याद रखिए अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट हथियार तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश है, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन भी इससे संबंधित तकनीक को रखने वाले देश हैं। क्वेश्चन है हमारा 14। समाचारों में रहा ट्रिपल बिलियन लक्ष्य किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से, सी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नई पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना शुरू की है जिसमें एक महत्वाकांक्षी ट्रिपल बिलियन लक्ष्य है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से 1 बिलियन और लोगों को लाभान्वित करना, स्वास्थ्य आपात स्थितियों से 1 बिलियन और लोगों को सुरक्षित करना, 1 बिलियन और अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं प्रदान करना इसमें शामिल है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। ICAP क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, बिल्कुल गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह योजना आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन क्षयकारी पदार्थों में कमी से संबंधित के साथ साथ 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 16। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान देना है, सही है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, यह आपका गलत है। केवल एक कथन सही है 16 में, क्योंकि इसे आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक पहल है। किसकी? इसरो की एक पहल है युविका। क्वेश्चन है हमारा 17।
ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दूसरा कथन आपका सही है, एक आपका गलत है। यह अधिनियम ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों को देखता है। यह केवल वैसे आपराधिक मामले ही देखता है जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। ठीक है। क्वेश्चन है 18। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सही है। यह पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था, याद रखिए। ठीक है। और जो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख संरक्षक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके दोनों कथन सही थे, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये सही है आपका। क्वेश्चन 19 में आपका दूसरा कथन सही है, एक गलत है। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है 20। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमे दायर करने से पहले मामलों का निपटारा करने की है, ना कि उन मामलों की का जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों। गलत है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल प्रकृति के हैं, ना कि आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकृति के। ये भी गलत है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ये भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन भी कोई सा भी कथन सही नहीं है। इसमें डी होगा क्योंकि कोई भी कथन सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र में से एक है, जहां न्यायिक अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित विवाद या मामलों का निपटान किया जाता है, अथवा सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौते द्वारा मामले को सुलझाया जाता है। लोक अदालतें दीवानी मामलों के साथ साथ आपराधिक मामले से भी निपट सकती हैं, जो किसी कानून के तहत समाधि है। उनके पास तलाक से संबंधित मामले या किसी कानून के तहत अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लोक अदालतों की अध्यक्षता वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें प्रायः 2 अन्य सदस्य, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसे शामिल किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है, आगे।